तो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक में लेकर गया हूँ, आज हमारा जो वीडियो होने वाला है, आज मैं ये यूएमटी के एक अपडेट के ऊपर वीडियो लेकर गया हूँ। जैसा कि दोस्तों, अभी हमारा जो यूएमटी डोंगल है, यूएमटी डोंगल ने एक मीडियाटेक के ऊपर 1.5, ये मीडियाटेक का 2 वाला वर्जन है, इसमें 1.5 इसमें से एक बहुत नया अपडेट लेकर गया है। और ये हमारे उन स्टूडेंट के लिए वीडियो है जो हमारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से मोबाइल फोन को रिपेयर कर रहे हैं, यह सॉफ्टवेयर के माध्यम से, हाँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो मोबाइल फोन ठीक कर रहे हैं, तो वो सभी लोग इस वीडियो के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं और वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। और हमारा मोबाइल फोन रिपेयर सिखाने का तरीका क्या है, इन सब चीजों के बारे में आप जान सकते हैं। अच्छा, जो ये वीडियो मैं आपको देता हूँ, ये सारे आइडिया आप समझ सकते हैं कि डेमो पर्पज पे भी है, कि जिससे आप ये समझ सकते हैं कि मोबाइल फोन में किस तरीके से आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, किस लेवल पे आपको सिखाया जाता है और कैसे जब यहाँ पर आएंगे तो आप सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और मैं ये भी बताने वाला हूं कि नया अपडेट आएगा तो आप उसको पता कैसे करेंगे, मतलब ये कैसे पता करेंगे कि उसमें क्या चीज अपडेट आई है, क्या क्या चीजें अपडेट आई हैं और किन किन चीजों के बारे में इस टूल ने अपडेट दिया, उन सब चीजों के बारे में मैं वीडियो आपको देने वाला हूं। सबसे पहली बात, यूएमटी के ऊपर वीडियो है, एमटीके 2.1.5 के ऊपर जो वीडियो है, इनके बारे में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो हम लोग चलते हैं, तो अब हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम लोग डाउनलोड करके देखते हैं क्या चीज नया आया और क्या फीचर है, मैं उसको अब एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन है इस तरीके से रिपेयरिंग के हम लोग टेक्निकली कोर्स सिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कम्प्लीट ट्रेनिंग देते हैं, सभी मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सिखाते हैं। अच्छा चलिए, हम लोग चलते हैं अपने सिस्टम पे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात खोलेंगे गूगल, गूगल खोलने के बाद गूगल में जाएंगे, गूगल में हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे, क्या टाइप करेंगे, यूएमटी रिपेयर माय मोबाइल। हम लोग रिपेयर माय मोबाइल फोन की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में चले जाते हैं और इस वेबसाइट को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। इसमें नहीं ओपन हो रहा है, आप क्या करिए, क्रोम मोजिला खोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने टाइप किया EMT रिपेयर माई मोबाइल। हम लोग क्या करेंगे, इसकी वेबसाइट में चले जाएंगे, जो EMT की वेबसाइट है आप उस वेबसाइट में चले जाएंगे। वेबसाइट में जाने के बाद सबसे नीचे आप आएंगे, तो नीचे आने के बाद जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 1.5 ये हमारा नया लेटेस्ट सेटअप आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पहले हमारा, आज से पहले 1.4 था, इस समय 1.5 आ चुका है। अच्छा, 1.5 में क्या नई चीज आ गई है मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले हम लोग को सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर खुल गया है, अब आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। ये सर फोन ले लिए, जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद करेंगे। अच्छा, इन सब चीजों को आप हमारे YouTube चैनल पे सब वीडियो को देख सकते हैं, हमारा जो Facebook का पेज है आप उसमें भी देख सकते हैं, और Facebook के माध्यम से भी हम लोगों ने आपको ट्रेनिंग के लिए वीडियो डालते रहते हैं, आप उनको भी देखें। अगर इन सब चीजों के बारे में देखना है तो हमारे, आप YouTube में जाएंगे, YouTube के अंदर अबाउट में जाएंगे तो उसमें से हमारे सारे पेजेस ऐड हैं, उसमें आपका गूगल का भी है, यूट्यूब का भी तो है ही, और फेसबुक का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, आप उन पे भी जाकर के जुड़े और देखें, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में समझें। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सॉफ्टवेयर के मैंने डाउनलोड करने के लिए क्लिक किया है तो यहाँ पर हमारा डाउनलोड करने के लिए ओपन हो जाएगा। जब ये डाउनलोड करने के लिए ओपन हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे दोस्तों, कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप में हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे। जब आप डेस्कटॉप में फोल्डर बना लेंगे तो UMT 1.5 ये जो नया आया है मैंने उसके ऊपर एक फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्ट हियर करेंगे। जैसे हम लोग स्ट्रक्ट हियर करेंगे तो स्ट्रक्ट हियर करने के बाद ये हम लोगों ने खोल दिया है। खोलने के बाद ये हमारा दोबारा सॉफ्टवेयर आएगा, हम लोग दोबारा इसको स्ट्रक्ट हियर करेंगे।
ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा तो ये हमारा इंस्टॉलेशन के लिए चालू हो जाएगा। जब आपका दोस्त इंस्टॉलेशन के लिए चालू हो जाएगा तो यहाँ पर आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करते हो ना, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर तुरंत आपको खुल जाता है, ये बताता है क्या चीज नई ऐड हुई है। सबसे पहली बात यूएमटी के अंदर मीडिया टेक के अंदर वर्जन 1.5 द अनलिमिटेड मल्टी टूल मीडिया टेक टूल। और जब आप इसमें से नीचे जाएंगे तो नीचे जाने के बाद नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐड इनफिनिक्स आईटेल टेक्नो वर्जन 4। वर्जन 4 का मतलब होता है कि वर्जन 4 इसके अंदर आ चुका है। पहले हमारा आता था V1, V2, V3, लेकिन इसके अंदर जो आया है क्या है, V4 आया है। देखिए मैं इस चीज को हाईलाइट कर देता हूं। अगर इसमें से V4 आया है, क्या आया है, V4 आया। V4 का मतलब होता है जो 2024 के जो नए सिक्योरिटी के जो मोबाइल फोन लॉन्च हुए हैं उनको लॉक तोड़ने के लिए इसके अंदर आया। मैंने आपको पहले ही वीडियो में पहली बार भी मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारे पास जैसे लॉक तोड़ने के लिए V1 सिक्योरिटी आती है, V2 आती है, V3 आती है, V4 आती है, दोस्त कल को V5 भी आएगी। क्यों? क्योंकि 2024 के बाद 2025 लगेगा, फिर मोबाइल फोन में नई सिक्योरिटी आएगी, फोन अपडेट होगा तो उसका लॉक तोड़ने का तरीका भी अपडेट आएगा, तभी तो लॉक टूटेगा ना। तो हमारा V4 आ जाएगा और V4 के अंदर देखिए MT6761, MT6765, MT6768, 633, ये सारे हमारे जो सब फोन है ये इसके अंदर ऐड हो गए हैं। आप नीचे आएंगे तो नीचे देखेंगे फॉलोइंग मॉडल, ये कौन से मॉडल जो वर्किंग पे आ गए हैं, इन्फिनिक्स GT10 Pro, HOT 10i, HOT 20 5G। अगर आप देखते हैं HOT 20 5G मोबाइल फोन, ये सारे 5G कैटेगरी के, इन्फिनिक्स के जितने सारे मॉडल हैं ये सारे 5G कैटेगरी के मॉडल हैं। और ये मोबाइल फोन काफी हॉट सेलिंग मोबाइल फोन है। अच्छा, हॉट सेलिंग क्यों मोबाइल फोन है? वो मोबाइल फोन हमेशा लाइफ में हॉट सेलिंग रहता है दोस्त, जो मोबाइल फोन 8,000 से लेकर के 15,000 के बीच में रेंज में रहता है। क्योंकि जितना भी मिडिल क्लास का आदमी होता है वो सबसे पहली बार जनरल सी बात है, अगर अच्छा स्मार्टफोन लेने जाता है उसके बाद बहुत पैसा कम है तो खींच खाच के वो 8-10 हजार तक पहुंच जाता है। और जो और ऊपर वेरियंट का होता है तो खींच खाच के 10 से लेकर 15 हजार तक पहुंच जाता है। तो मुझे लगता है कि 8,000 से लेकर 15,000 तक के ऐसे जो मोबाइल फोन होते हैं ये सबसे हॉट सेलिंग और काफी ज्यादा बिकने वाले मोबाइल फोन होते हैं। तो जब काफी ज्यादा बिकने वाले मोबाइल फोन होते हैं जाहिर सी बात आपके पास रिपेयरिंग के लिए भी ज्यादा आएंगे। नए मोबाइल फोन में लॉक भूल जाएंगे, किसी कारणवश लॉक मिसमैच हो जाएगा, तब भी आपके पास लॉक तोड़वाने के लिए आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे मॉडल है, इन्फिनिक्स GT10 Pro है, HOT 10i है, 20 5G है, ये जितने भी सारे मॉडल है सारे मॉडल इसके अंदर एड हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो कितने सारे टेक्नो स्पार्क गो, टेक्नो के काफी सारे मॉडल ऐड हुए हैं, इन्फिनिक्स के बहुत सारे मॉडल ऐड हुए हैं। मतलब ऐसे 5G मोबाइल फोन जो मैंने आपको पहले 4 CPU बताए थे उन 4 CPU को जो सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे जैसे इन्फिनिक्स HOT 30 5G, अच्छा मोबाइल फोन है, काफी मोबाइल फोन बिकता है। अगर इसको मैं गूगल खोलता हूँ, गूगल पे गया, गूगल पे हमने सर्च किया इन्फिनिक्स HOT 30 5G GSM Arena, अगर आप देखेंगे ये देखिए दिखने में लुक वाइज कितना मोबाइल फोन अच्छा लग रहा है। अगर आप रेट वाइज जाएंगे तो मोबाइल फोन काफी महंगा नहीं है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर MediaTek का Dimensity प्रोसेसर लगा हुआ है और इस मोबाइल फोन में लॉक तोड़ने के लिए जो प्री लोडर की जो नई सिक्योरिटी है वो आ चुका है, जो पहले मोबाइल फोन कुछ नहीं खुल पाते थे तो वो भी अब इसके अंदर आ चुके हैं, जो V4 सिक्योरिटी करके आपको अपडेट दिया हुआ है। तो आप इसमें से देख सकते हैं ये मोबाइल फोन अमेजोन पे समथिंग 11-12 हजार रुपए, 10 हजार रुपए के मोबाइल फोन दिखा रहा है। अगर आप प्राइस वॉर में जाएंगे तो आप इसको उस चीज को भी देख सकते हैं। तो काफी अच्छा मोबाइल फोन है और जनरल तौर पर देखा जाए तो ऐसे मोबाइल फोन हमारे पास सॉफ्टवेयर करने के लिए बहुत आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या मॉडल्स अपडेट आए हैं। आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके स्क्रीन में इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा और आपके सॉफ्टवेयर में जाकर के देखेंगे तो उसमें से V4 की सिक्योरिटी ऐड हो जाएगी। जैसे आप टेक्नो में प्री लोडर में लेकर के इन्फिनिक्स को सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर V4 की सिक्योरिटी आ जाएगी। V4 की सिक्योरिटी आते ही आप इस तरह के CPU के सारे चिपसेट को मोबाइल फोन को लॉक खोल सकते हैं।
ये जितने सारे मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन लॉक खोल सकते हैं। आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करना है। फिनिश करने बाद ड्राइवर फिल्टर के लिए बोलेगा, आप इस फिल्टर मेरे पास ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है क्योंकि मेरे सिस्टम में सारे सॉफ्टवेयर लोड है, तो अब हम लोग ये सॉफ्टवेयर हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मीडियाटेक का जो नया सिक्योरिटी अपडेट आया है उस नया अपडेट सिक्योरिटी पैच को ले सकते हैं। उस पैच के माध्यम से आपके पास जो भी मोबाइल फोन आते हैं आप उस मोबाइल फोन को लॉक खोल सकते हैं और आसानी के साथ में उसमें चाहे पिन लॉक हो, चाहे पैटर्न लॉक हो, चाहे FRP लॉक हो, किसी भी तरह का लॉक आता है उस लॉक को आप आसानी के साथ में आप रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्त आज हमारा जो टॉपिक था वो UMT के ऊपर था। UMT के अंदर जो हमारा V4 सिक्योरिटी आई हुई है, UMT के ऊपर जो हमारी V4 सिक्योरिटी आई है, ये V4 सिक्योरिटी कौन सी है, 2024 के जो प्री लोडर मोबाइल फोन जो कनेक्ट हो रहे थे उन सभी मोबाइल फोन के लिए। ये जो तुम्हारे मोबाइल फोन कौन से आते हैं, टेक्नो जिसमें आईटेल, इन्फिनिक्स, ये सभी मोबाइल फोन को आप मोबाइल फोन को अनलॉक कर सकते हैं। ये सारे मोबाइल फोन 90-100% ये मोबाइल फोन सारे मीडियाटेक सपोर्टिंग मोबाइल फोन है। ये सारे मोबाइल फोन मोस्टली 5G मोबाइल फोन है क्योंकि 5G मोबाइल फोन आजकल के समय पर जितने भी सारे मोबाइल फोन सेल हो रहे हैं वो दोस्त 5G मोबाइल फोन ले रहा है हर एक आदमी, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि उसको पता है आज की डेट में हमको जो भी चीज लेनी है वो लेटेस्ट लेनी है। अगर हम लेटेस्ट नहीं लेंगे तो पुरानी चीज हमारी आउट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी और हमारा मोबाइल फोन वैसे ही पुराना होने वाला है। तो अगर हम लोग 4G ले लिया तो हमारा तुरंत पुराना हो जाएगा, 5G ले लेते हैं तो फिर भी हम लेटेस्ट रहेगा, नई नई चीजों को हम लोग यूज कर पाएंगे और 5G सिम का यूज कर पाएंगे, 5G इंटरनेट का यूज कर पाएंगे, इन सब चीजों का यूज कर पाएंगे। तो जो V4 सिक्योरिटी आई है मैंने दोस्तों आज मैंने आपको उसके बारे में आपको समझाया हुआ है और कैसे अपडेट किया जाता है, कैसे पता किया जाता है उसके बारे में बताया है। तो जितने लोग ऐसे हैं जो UMT यूज कर रहे हैं तो इस सॉफ्टवेयर का आप ऐसे डाउनलोड करिए, आप उसको अपडेट कर लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, जो मोबाइल फोन आते हैं आप उस मोबाइल फोन को अपडेट अनलॉक कर पाएंगे। और जब तक आप इसको अपडेट डाउनलोड नहीं करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक आप ऐसे मोबाइल फोन से आपसे छूट जाएंगे, वापस चले जाएंगे और आप नहीं कर पाएंगे, बार बार आप परेशान होंगे कि हमसे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो दोस्तों आप इसी तरीके से हम लोग जितने भी सारे बच्चे होते हैं सब बच्चों को सॉफ्टवेयर का पूरा ट्रेनिंग देते हैं, उनको बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक का पूरा सिखाया जाता है। हम लोग यहाँ पर मोबाइल फोन को हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, MNC प्रोग्रामिंग है, या तो ICO का काम है, या तो मदरबोर्ड में रिपेयरिंग का काम है, या चिप लेवल का काम है, बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के 100% लेवल तक सब चीज सिखाया जाता है। रिपेयरिंग सिखाने का हमारा दोनों तरह के मेथड होते हैं, थ्योरेटिकली भी हम सिखाते हैं, प्रैक्टिकली सिखाते हैं। थ्योरेटिकल जो होता है एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं। थ्योरी का मतलब होता है, थ्योरी वो चीज होती है कि जैसे मान लिया मोटरसाइकिल चलाने जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल जो आपको सिखाने वाला आदमी होगा वो पहले बताएगा, भैया देखो ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर है, यहाँ पर पेट्रोल पड़ता है, तुमको यहाँ पैर रखना है, तुमको ऐसे चलना है, लेफ्ट होता है कि राइट होता है, कहाँ पर ब्रेक है, इन सब चीजों के बारे में आपको अनुभव बताता है, अपना जो नॉलेज है वो आपको समझाता है, फिर आप उसको समझते हो, उसी पार्ट को हम लोग यहाँ पर थ्योरी बोलते हैं। और प्रैक्टिकल का मतलब होता है जब आप खुद कर रहे होते हैं, तो हम किसी चीज को सजिए 3 मोड में ट्रेनिंग देते हैं। 3 मोड का मतलब होता है पहले मैं सिखाता हूँ, सिखाने के बाद फिर मैं आपसे प्रैक्टिकल कराता हूँ, जब मैं आपसे प्रैक्टिकल करा चुका होता हूँ या आपको सिखा चुका होता हूँ उसके बाद फिर मैं आपको लैब में भेजता हूँ ताकि आप अलग अलग डिफरेंट तरीके से इस काम को कई अलग अलग तरीके से करें। क्योंकि एक काम को प्रैक्टिकल का मतलब होता है ये सजी हमारा एक हैंड स्किल, हमारी कला है, हम इस काम को जितना अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, अपने माइंड सेट के हिसाब से कर सकते हैं, जितना अलग अलग तौर तरीके समझ सकते हैं ताकि हम उतना ही मजबूत हो जाते हैं। अब मेरे पास जो फ्रेशर बच्चे आते हैं उनके लिए तो स्पेशली रहता है कि उनको सब चीजों के बारे में और अच्छा अनुभव मिले, क्योंकि वो पहली बात तो किसी चीज को जानते नहीं है, मोबाइल फोन में गुल्ट खोलना भी नहीं जानते, मोबाइल फोन आगे से खुलेगा कि पीछे से खुलेगा, बीच से खुलेगा, ऊपर से खुलेगा, कहाँ से खुलेगा, वो यही नहीं जानते। तो उन सब चीजों के बारे में बताया जाता है ताकि वो सीख करके अच्छी तरीके से अपने दुकान कर सके, अपना बिजनेस कर सके, अपना काम कर सके। और आजकल के उभरते हुए समय पर मोबाइल फोन बहुत अच्छा बिजनेस है, आदमी सीख करके बहुत कम पूंजी कम पैसा लगा करके अच्छा सफल बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो हमारे स्टूडेंट आ सकते हैं। ये स्टूडेंट कानपुर स्टेशन के पास में पड़ता है, कानपुर स्टेशन के पास में एक मार्केट पड़ती है सागर मार्केट, यहाँ पर कम से कम बहुत सारी मोबाइल फोन की दुकानें, मोबाइल फोन के टूल्स मिलते हैं, एसेसरीज मिलते हैं, लोग झोला भर भर के मोबाइल फोन लाते हैं यहाँ पर रिपेयर कराने के लिए, यहाँ पर भी लोग मोबाइल फोन रिपेयर करते हैं, बच्चे लोग मोबाइल फोन हमारे ठीक करके देते हैं, हम लोग पैसा नहीं लेते हैं। तभी आसपास क्षेत्र के जितने लोग हैं अगर आप जानते हो, हमारी वीडियो देख रहे हो, समझ रहे हो, तो हमारे पास रिपेयरिंग कराने के लिए फोन आ सकते हो, आपका कोई पैसा चार्जेस नहीं लगता है, बस आपको सामान का पैसा देना होता है।
और दोस्त अगर इन सब चीजों के बारे में ट्रेनिंग लेना है तो हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क करें, कॉल करें, मैसेज करें, और आप नहीं आ सकते तो वहीं से वीडियो कॉल के माध्यम से क्लास देख सकते हो, क्लास कैसे कराया जाता है, क्लास का लाइव डेमो देख सकते हो कि मतलब सर हम अगर सीखना चाहते हो तो क्लास में कैसे सिखाया जाए, उन सब चीजों के बारे में फीडबैक देख सकते हो। फिर आप आइए, यहाँ पर रहने की सारी सुविधा मिल जाती है और मात्र आपको सीखने में 45 दिन का समय लगता है। अगर आप यहाँ पर रह करके सीखेंगे, फुल डे क्लास करेंगे तो आपको 45 दिन का समय लगेगा, और अगर आप अप डाउन करेंगे, 2-4 घंटे का समय देंगे, तो फिर सीखने में सजी आपको 3 महीने तक का भी समय लग सकता है। अच्छा, समय आपको भाई चाहे 45 दिन लगे चाहे 3 महीने लगे, इसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सीखने में 2-4, 10 दिन, 15 दिन का समय और भी लगता है तो हम समय देंगे, लेकिन हम आपको पूरा ठोंक बजा के कंप्लीट मास्टर बना के भेजेंगे, ताकि आप जाइए अपने क्षेत्र में अच्छी तरीके से काम करिए और आपको काम करने में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल रहा है तो कमेंट में एक पॉजिटिव मैसेज दोस्त जरूर करें, 100% पढ़ पाए। थैंक यू।